अरवल जिले के करपी प्रखंड के खजरी पंचायत के केशवर बिहार गांव में आज तक नहीं पहुंची है बिजली। बिजली न पहुंचने के कारण यादव बहुलित गांव के लोगों को हो रही है काफ़ी परेशानी। बिजली न रहने से क्या क्या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है? ऐसे तो बिजली न रहने से हमारे बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है, हमारे गाँव को, हमारे बच्चे को पढ़ने लिखने बहुत सा दिक्कत होता है। किस तरह का दिक्कत होता है पढ़ने में बच्चों को? उन्हें रातों में कम रोशनी में पढ़ने में दिक्कत होती है, उसकी आँखों पर प्रभाव पड़ता है। अगर लाइट होती तो पढ़ने में उनको व्यवस्था अच्छा होता। जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं, टीवी वगैरह नहीं है, उसमें उनका मतलब मनोरंजन हो या किसी तरह का जानकारी नहीं मिल पाता है हमारे गाँव के बच्चा को। अरे बहुत मतलब दुखद प्रक्रिया है कि हमारे गाँव के चारों बगल बिजली है लेकिन हमारे गाँव में नहीं है। हमारी एक ऐसा गांव है जहाँ फिलहाल बिजली नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाई जा रही है। सरकार तथा ठेकेदार के उदासीन रवैये के कारण केवल पोल गाड़ कर एक साल से छोड़ दिया गया है। 8 महीना से पहले तो 2 साल से दौड़ रहे हैं, तो बिजली वाले बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि आ जाएगी, कल जाएगी, कल जाएगी, परसों जाएगी कर रहे हैं, और 8 महीने से पोल खड़ा करके छोड़ दिए, अभी तक बिजली आई नहीं। तो किन्हीं अफसर से आप मिले हैं? अफसर से तो मिल ही रहे हैं, सिक्योरिटी इंजीनियर से भी मिले, जेई साहब से भी मिले, प्रोजेक्ट इंजीनियर आए हुए हैं जेई, उनसे भी मिले हैं। हमने बहुत प्रयास किया, डीएम ऑफिस में गए, वहाँ एप्लीकेशन दिए, हमारे विधायक थे सत्यदेव कुशवाहा, उनसे एप्लीकेशन के उन्होंने लिखवा करके दिए वहाँ पे। उसका प्रोसेस मतलब हुआ लेकिन फिर उसमें कोई आगे इंटरेस्ट नहीं लिया गया। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारे गाँव में बिजली हो, रोशनी आए, हमारे गांव का अंधकार दूर हो, लेकिन ऐसा हो तो ना। मैं और मेरा समाज यह मांग करता है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर प्रोजेक्ट इंजीनियर वसीम जी के मोबाइल नंबर 70331930 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि इस गांव में बिजली उपलब्ध हो सके। मैं SM जफर इकबाल, ग्राम केशवर बिघा, प्रखंड करपी, जिला अरवल, राज्य बिहार से इंडिया अनहट के लिए।